इमली की चटनी बनाने के लिए इमली को 15 मिनट्स के लिए हॉट वाटर में सोक कर देंगे 15 मिनट्स में इमली फूल भी जाती है और पानी थोड़ा ठंडा भी हो जाता है तब हाथ से मसल कर पानी अलग कर लेंगे और सीड्स अलग कर लेंगे आप चाहें तो सीडलेस इमली यूज़ करें चाहे तो सीड्स वाली यूज़ करें जो भी आपके पास अवेलेबल हो अच्छे से छान लेंगे और बॉयल करने के लिए रख देंगे अब मिठास के लिए कुछ लोग इसमें चीनी डालते हैं जब गुड़ और चीनी दोनों डालते हैं लेकिन मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ गुड़ अब हम इसमें ऐड करेंगे सेंधा नमक काला नमक तीखी मिर्ची और कश्मीरी मिर्ची कश्मीरी मिर्च डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है और आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब इसमें ऐड करेंगे काली मिर्ची खजूर को मैंने बारीक बारीक काट लिया है वो डाल देंगे आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं ये है कॉर्नफ्लावर आप दो चम्मच ठंडे पानी में कॉर्नफ्लावर को मिलाकर चटनी में डाल दीजिए तो देखेंगे कि चटनी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी ये ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं कॉर्नफ्लावर हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है अगर कॉर्नफ्लावर ज़्यादा डाल दिया तो चटनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है क्योंकि चटनी जैसे जैसे ठंडी होती है वो वैसे वैसे गाढ़ी हो जाती है तो देखिए टेक्सचर कितना बढ़िया आया है और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है अब रूम टेम्परेचर में इसको ठंडा होने देंगे उसके बाद किसी कंटेनर में भर लेंगे और फ्रिज में ये चटनी आठ से दस दिन तक स्टोर की जा सकती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब